खानो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूँ बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का ब्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं, असल में हवा को मैं दे रही हूँ ना एंटीबायोटिक, तो हवा की बड़ा दिल घबराता है, और हम जाग ही रहे होते हैं, रूटीन काफ़ी हद तक हमारी सही हो गई है। तो फिर इस टाइम मतलब हानी के स्कूल से पहले पहले मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो खाली कुछ मतलब एक किराया ही लगता है ना, तो ठीक है मैं इनको लेके ना यहाँ पे थोड़ा सा शहर से बाहर एक रिंग रोड है मुल्तान का, मुल्तानियों को पता होगा, वहाँ तक का एक चक्कर लगा के बच्चों को मतलब ले आती हूँ, तो उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। और सुबह के टाइम बड़ी अच्छी हवा होती है और ट्रैफिक भी नहीं होती, फिर हवा के सो जाती है, हानी को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। तो जो आपने पहले क्लिप देखा वो बिहाड़ी चौक, हमारे यहाँ मुल्तान में एक जगह है, वहाँ पे बंदर वाला जा रहा था, हानी ने मुझे कहा मम्मा वो देखो कालू मदारी, तो हमने उसकी वीडियो बना ली, वाह शेर बन गया, कालू मदारी की वीडियो बना ली। खैर वो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी होप सो। तो खैर हम व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो अभी ये जो भाई हैं रक्षे वाले भाई, वो अपना रिक्शे में फ्यूल डलवा रहे हैं, और हम इतनी की जल्दी में आए हैं कि हानी के आधे बाल बंधे हुए हैं और आधे खुले हुए हैं। आज संडे है वैसे तो, इसलिए कल इसका ये हेयर स्टाइल था तो अभी खुला हुआ है, क्योंकि रात को सोते हुए मैंने इसकी पोनीज उतार दी थी, आधी साइड खोल दी थी, फिर इसने करवट ले ली, दूसरी साइड नहीं खोली, और ये ऐसे ही उठ के बाहर आ गई है। तो मैंने भी ज़्यादा मतलब कि टेंशन नहीं ली हुलिए के बारे में, तो ठीक है ओके है। खैर अब हम लोग जा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें रास्ते में देखने को मिल जाती हैं जो यूजली नहीं। तो खैर ये जो है ना, ये नौ बहार नहर है मुल्तान की, और ना मतलब ये देखें तो इसके दूसरी साइड पे खेत हैं कुछ कुछ, और कुछ जगह पे ना झुग्गियाँ भी हैं, वो जो होती हैं झोंपड़ियाँ, तो वो झोंपड़ियाँ कुछ तो वैसे पुरानी स्टाइल में वो टेंट वाली हैं, और कुछ जो है ना वो काने पत्तल की बनाई हुई हैं। तो ना मैंने हानी को कहा वो देखो हानी, मतलब के बच्चों को मुझे अच्छा लगता है ना, ये देखें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना, और हानिया भी इस एज में है कि हर न्यू चीज़ पे उसको मतलब खुशी मतलब अच्छा लगता है, या बहुत एक्साइटेड होती है सीखने के लिए। तो बाहर हाल में उसको बता रही थी कि ये देखो हानी ये झोंपड़ियाँ, तो कहती वाओ मम्मा इसमें से आपकी झोंपड़ी कौन सी थी, क्योंकि उसने एज्यूम कर रखा है, मतलब उस टाइम उसने एज्यूम कर रखा था कि वो टाइम मशीन में नोबिता के कार्टून्स की तरह बैठ के और पिछले ज़माने में चली गई है, मेरे बचपन में, मम्मा के बचपन में यानी वो आ गई है। तो उसको लगा कि शायद पुराने ज़माने में, वो हमेशा पूछती है कि मम्मा अच्छा पुराने ज़माने में, हाँ कोई बात हो जाए ना, अच्छा मम्मा पुराने ज़माने में घर होते थे, तो वो समझती है कि मैं डायनासोर के ज़माने की हूँ, और वो उसको ये लग रहा था कि शायद मैं यहाँ झोंपड़ियों में ही हम लोग रहते होंगे। तो कहती कि मम्मा झोंपड़ी का आपकी कौन सी झोंपड़ी है, मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरी कौन सी झोंपड़ी होनी है। तो बहरहाल यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, और मैंने कहा कि मैं बच्चों को मॉर्निंग वॉक करा रही हूँ, तो आप सारे भी उठ जाएँ और मेरे साथ रक्षा वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक रक्षा। तो ये नौ बहार नहर है, ये मुल्तान से थोड़ा सा मतलब कि मुल्तान का थोड़ा सा मजाफात है, वहाँ पर है ये। ओके तो हम लोग अभी आम के यहाँ सारे रास्ते में आम के बाग हैं, यहाँ अब्बू के साथ आते होते हैं आम लेने के लिए, तो मतलब अब्बू यहाँ से पेटियाँ लेके आते हैं, कभी अब्बू भाई के साथ भी चले जाते हैं और कभी हमारे साथ भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आम तोड़ रहे हैं, और मतलब कि हमने थोड़ा सा परमिशन ली थी कि हम एक आम तोड़ लें, क्योंकि ये भी मेहानी को एक्सपीरियंस करना था, लेकिन उसके बाद में हवा क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, मैं उठ के जा नहीं रही थी, तो फिर हानी भी नहीं गई, तो फिर हमारे रिक्शे वाले भाई ने वो एक्सपीरियंस कर लिया, उन्होंने वो तोड़ के हमें ला दिया। और ये रोड के दूसरी तरफ भी मैं दिखा रही थी कि ये देखिए आम के बाग हैं, और इस पर बहुत आम लगे हुए थे, लेकिन मैं करीब से ले नहीं सक रही थी ना, क्योंकि मेरी गोद में हवा थी। तो अभी बाय द वे वापसी का सफ़र है, तो हमने 2-3 दिन ये खूब इंजॉय किया, यानी कि वीकेंड पे रोज़ हम बाहर चले जाते थे हवा के नाम पे ना। के उठे हैं, रात के 2 बजे हैं और आम आए हैं, हम इतनी खुशी हो रही है, सीज़न के पहले आम आ गए हैं। रात को अब्बू आए थे, हम तो सो चुके थे तो वो लाए होंगे ना, तो मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, सारे घर वाले सोए हुए हैं।
हवा की तबीयत अल्लाह का शुक्र है पहले से कुछ बेहतर है। क्या है हानी? हानी के ये हानी ने पानी में डाल के वो किए हुए हैं और ये है मेरी हवा है। दिखाना हानी हाथ खोलो। वाह ये उठाना, ये हम खाना खाने आए हैं, खाना देखने आए हैं एक्चुअली कि हमें कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, रूटीन चेंज हो रही है। आओ हवा। वाओ बिरयानी मिल गई। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके जान। हाँ हानी मुझे गिलास पानी देना। देखें हमारी छत पे गंदम बिखरी है, गंदम को गोलियां वगैरह डालते हैं, सफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको हमारी ज़ुबान में उसको कुठला कहते हैं, आई डोंट नो दूसरी ज़ुबानों में क्या कहते हैं। तो दिखाती हूँ, वो भी दूसरी तरफ पड़ा है, लेकिन बहरहाल ये सारी बिखरी हुई है, इसके अंदर से गोलियां डालेंगे, ख़तरनाक गोलियां होती हैं। ओए होए चींटियां भी बहुत सारी हो रही हैं इधर। मम्मा बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है। ओके यार बंद कर रही हूँ। ये देखें ये है, ये कुठला इसके अंदर जाएगा, ये कुठले का ढक्कन, ये पुरानी साफ, ये अम्मी ने तंदूर लगाया हुआ है और मासी इसमें रोटियां बना के देती थी, और ये है जी सारी गंदम। हनी इधर आ जाओ, तो आपने बॉल खुद डाली थी ना। आज मंडे है और हनी स्कूल जा रही है, मतलब कि 2 दिन की छुट्टी थी, अब आज जाएगी। और यार हवा की तबीयत की ये अपडेट है, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, आप सारे बहुत ज़्यादा मेरे साथ जिसे कहते हैं ना मॉरल सपोर्ट के लिए हैं। लेकिन हवा की ना तबीयत सही होगी बिल्कुल, 2-3 दिन तो इसको बिल्कुल कोई वॉमिटिंग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से इसको वापस से वो मतलब सोती है ना, जागते हुए नहीं आती उल्टी, सोती है तो उल्टी आ जाती है। मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, मतलब मैं परेशान ही हूँ आजकल कि हवा कम्प्लीटली सही नहीं हो रही, थोड़ी चिड़चिड़ी भी हुई हुई है। अभी मैंने बाहर मतलब मैं कंटेंट के लिए भी जाऊँ तो भी टेंशन होती है कि हवा चिड़चिड़ी हुई है, बीमार है। तो चलो खैर, काफ़ी बड़ा सारा व्लॉग हो गया, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी, अब तो मेरे व्लॉग भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, मैंने काफ़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है इन वाले व्लॉग्स पे भी, तो मुझे यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा इस पर वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।